इस लड़की को तलाक दे दो फर्ज। ठन, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और सब कुछ ठीक हो सकता है फॉरेस। तुम्हें फैसला करना होगा, ये लड़की या फिर तुम्हारे मां बाप। आज मैं गई थी उस लड़की के घर। कौन? वही जिसको आपके बेटे ने दिल दे दिया। तो क्या फैसला किया तुमने? अच्छे लोग हैं, सादा मिजाज के, सादा अंदाज के, कोई ढकी छुपी तो उनकी माँ ने रखी नहीं हुई थी। जो अंदाज है उनका जिंदगी का, वो सब बता दिया। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारी तसल्ली हुई या नहीं? हो गई है। तो फिर मसला ही हल हो गया। तो सबसे पहले जाके अपने बेटे को बताओ। लेकिन अब लेकिन क्या? हमारा इकलौता बेटा है और शादी को लेके मेरे दिल में बहुत अरमान है। तो भाई अपने सारे अरमान पूरे करो ना, किसने मना किया तुम्हें? और उनकी तरफ से बारात का इंतजाम भी हम लोग कर लेंगे, ओके? मैं वो बात नहीं करी वजाहत। तो फिर क्या है? अब कुछ रस्में लड़की वालों की तरफ से होती अच्छी लगती है ना, अपने लिए गिफ्ट लेकर खुद कोई गिफ्ट कर दें, कुछ मुनासिब नहीं लगता ना। हाँ, बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हर माँ बाप चाहे कितने भी गरीब क्यों ना हो, उन्होंने अपनी बेटियों के लिए कुछ ना कुछ जरूर जोड़ा होता है। हाँ, पर हमारे शायान ने शान तो नहीं होगा। हाँ, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन तुम एक गरीब लड़की के सर पे हाथ रख रही हो और इसका अजर तुम्हारी तवक्को से ज्यादा अल्लाह तुम्हें देगा, और फिर इसके बाद तुम्हें किसी चीज की ख्वाहिश नहीं रहेगी। अब इतनी आलमाना बातें तो मत करें। अरे भाई, मैं आलमाना गुफ्तगु नहीं कर रहा, मैं तुम्हें सिर्फ मुतमिन कर रहा हूँ ताकि तुम रिलैक्स हो जाओ। पर खानदान, खानदान वाले क्या कहेंगे? देखो राबिया, हमारे बेटे की पसंद और खुशी का सवाल है, हमें खानदान वालों से क्या लेना देना। बस अब तुम ज्यादा मत सोचो। सोचें तो खुद ब खुद जहन में आती हैं। तुम एक नेक काम करने जा रही हो, इसको कर गुजरो बस, ओके? ठीक है। आप अभी तक जाग रहे हैं? नींद नहीं आ रही। तो नींद के लिए टैबलेट ले ले रही थी ना? आ चुका हूं शमाला, फिर भी नींद नहीं आ रही। और इस कितनी दफा मैंने कहा है कि बिजनेस की इतनी टेंशन ना लिया करें, अब सारा बिजनेस फारिस को हैंडओवर क्यों नहीं कर देते? वो जाने उसका बिजनेस जाने, आप अपने सर से ये झंझट उतार दें प्लीज। बस सोचा तो मैंने भी यही था, लेकिन लेकिन क्या, आप फारिस से फिर बदगुमान हो गए? बदगुमान? बदगुमान तो बहुत छोटा लफ्ज है, मैं तो अब तो ठीक हो गया है फारिस, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी समझने लगा है, जमल का ख्याल रखता है अब तो। देखिए जमल कितनी खुश है आजकल। तुम किस कदर ना समझ हो शुमाला, बल्कि तुम क्या, मैं खुद ना समझ बेवकूफ औलाद पर अंधा एतमाद करने वाला। वारिस मुझे बताएं आखिर ऐसी क्या बात हो गई है कि आपकी रातों की नींद ही उड़ गई है? शुमाइला, बस थोड़े दिन और सब्र करो, तुम्हारा बेटा खुद तुम्हें आके बताएगा। फारिस के हवाले से कोई बात हुई है? हाँ, उसके ही हवाले से बात हुई है, और वो बात क्या है ये फारिस खुद बताएगा। आपने तो मुझे परेशान कर दिया। नहीं शुमाइला, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हें आने वाले हालात के लिए तैयार कर रहा। कैसे हालात? घबराओ मत, जंग नहीं छड़ने वाली, समझा?
जाके सो जा। फारिस, जी डैड, क्या फैसला किया तुमने? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, क्या फैसला करके आए हो? वो अभी तक कुछ तय नहीं हो सका। अच्छा, तो फिर घर क्यों आए हो? मैंने तुम्हें मना किया था कि घर मत आना। डैड, मुझे बस कुछ दिन दें। क्या ये सोचने के लिए कि तुमने जमल और अरीबा में से किसको तलाक दे ली? नहीं, इस मसले से निकलने के लिए। इस मसले का फारिस सिर्फ एक हल है, और वो हल ये है कि तुम अरीबा को तलाक दोगे। डैड, लोग दूसरी शादी भी कर लेते हैं। हाँ, कर लेते हैं लोग दूसरी शादी, लेकिन तुम्हारी तरह छुप कर नहीं करते। आप अरीबा के इतने खिलाफ क्यों हैं? इसलिए कि मैं जमल के हक में हूँ, मुझे जमल का ख्याल है। और अगर जमल को इस शादी से एतराज ना हो तो? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब अगर जमल अरीबा को अपनी दूसरी बीवी के तौर पर कबूल कर ले तो? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। अगर जमल अरीबा को कबूल कर भी ले तब भी हम उसे कबूल नहीं करेंगे। डैड, आप बहुत सख्ती से ले रहे हैं, मैं आपका बेटा हूं। हाँ, बेटे हो तभी तो तुम्हारी की हुई गलती को हैंडल करने की कोशिश कर। डैड, मैं अरीबा को नहीं छोड़ सकता। इसका मतलब है तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि तुम अरीबा और समल को एक साथ रखना चाहते हो? जी डैड। ठीक है, अगर समल को कोई एतराज नहीं है और वो कबूल कर ले तो हम भी किसी ना किसी तरीके से कबूल कर ही लेंगे। लेकिन याद रखना फारिस, अगर जमल ने कबूल ना किया तो तुम अरीबा को उसी वक्त तलाक दोगे। जी डैड। जाओ अपने कमरे में जाओ, सुबह बात करेंगे। जाओ। अंकल, आप फारिस को इतना डांट क्यों रहे थे? कब? वो कल रात। तुम्हें किसने कहा? वो मैंने खुद सुनी आपकी आवाज। अच्छा, तो फिर तुमने क्या सुना? अगर सुना होता तो आपसे पूछती। नहीं नहीं, एक्चुअली ऐसी कोई खास बात नहीं है, बस हमारा फारिस जो है वो किसी गलत जगह पे टांग फंसा बैठा है, तो बस उसी को डिस्कस कर रहे थे। क्यों फारिस? जी जी बिल्कुल। दोनों बाप बेटे आजकल बड़े अजीब तरह से बिहेव कर रहे हैं, उनकी आंखों में कुछ स्ट्रेंज सी टेंशन चल रही है। मैंने भी नोट किया। ऐसा कुछ नहीं है मिनाय, ये तो वक्त ही बताएगा। लगता है सभी कुछ ना कुछ जानते हैं, सिर्फ मुझे ही कुछ नहीं पता। अरे नहीं जमल बेटा, तुम परेशान मत हो। मैंने कहा ना, कोई खास बात नहीं है, डोंट वरी। हम दोनों बाप बेटा इसे सॉर्ट आउट कर लेंगे। मैंने ठीक कहा ना फारिस? जी जी डैड।
Have your breakfast. Excuse me. एक मिनट, कहाँ जा रही हैं आप? अपने कैबिन में। आप अंदर नहीं जा सकती। क्या मतलब है? क्योंकि आपको फायर कर दिया गया। क्या? और आपका डिसमिसल लेटर भी तैयार हो रहा है। आप एक मिनट रुके, मुझे फारिस से बात करें। मैंने कहा ना, आप अंदर नहीं जा सकती। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ता रोकने की? पर्सनल होने की जरूरत नहीं है मिस सरीबा, मैं वैसा ही कर रहा हूँ जैसे मुझे सर वारिस ने कहा है, इसलिए अब आप जा सकती हैं। तुम्हें तुम्हें पता है? तुम्हारे बाप ने मुझे ऑफिस से निकलवा दिया। हाँ, मुझे अभी पता चला है। और तुम हाथ पे हाथ रख के बैठे हो। तो और क्या करूँ यार, लड़ूं अपने बाप से, जंग करूं उनसे? पहले तो तुम कहते थे कि मेरी खातिर पूरी दुनिया से लड़ सकते हो। यार तुम इतने जज्बाती होकर ना सोचो। देखो डैड अभी थोड़ा गुस्से में है, चंद दिन सब्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारे बाप का गुस्सा। अच्छा अरीबा, तुम रिलैक्स हो जाओ, तुम घर जाओ, मैं आता हूँ। जल्दी आना। जी सर, आपने याद किया सर। काम हो गया? जी सर। चली गई वो लड़की? वो तो जा ही नहीं रही थी सर, मैंने भी अंदर नहीं आने दिया उसको। सलमान, अब यही कुछ तुमने फारिस के साथ भी करना। जी, लेकिन जब मैं कहूंगा तब। लेकिन क्यों सर? सलमान, जब इंसान का जख्म जो है हद से बढ़ जाए ना, तो उसे जिस्म से अलग करना पड़ता है। इसी से कुछ लोग कभी कभी इंसान की अपनी औलाद, उसकी अपनी औलाद उसके लिए जख्म बन कर रह जाती है। जी सर। क्या बात है, मैंने तो अभी कोई बात भी नहीं की है और तुम पहले से मुस्कुरा रहे हो। बिकॉज आई एम श्योर ऑफ माई चॉइस, है ना? यस। मैंने आपसे कहा था ना, आपको सादिया भी पसंद आएगी, उसकी मॉम भी पसंद आएगी। मैंने आपसे कहा था कि आप एक बार उनसे मिल तो लो। ठीक कह रहे हो, मुझे वो लोग बहुत पसंद आए, पर उसकी बहन से मुलाकात नहीं हो सकी। मॉम बहन का क्या लेना देना है, आप छोड़े। सर सब बहुत अच्छे हैं, बस आप आए मेरे साथ, बहुत अच्छे हैं सब। मैंने डैड से बात कर ली है, वो राजी हो गए। लेकिन मैं राजी नहीं। तुम्हें क्या हो गया रीबा? तुम्हें क्या हो गया फारिस? कल तक तुम जमल के साथ रहने को तैयार नहीं थे, आज तुम चाहते हो कि हम दोनों एक साथ एक ही घर में रहें। तुम्हें कहीं उससे मोहब्बत तो नहीं हो गई ना? फजूल बातें मत करो। फजूल बातें? मुझे तो ये बिल्कुल सच्ची बातें लग रही हैं। रीबा, जितना मैंने पूछा है पहले उसका जवाब दो। मैं जवाब दे चुकी हूँ, मैं उस घर में दूसरी बीवी बन के नहीं रहूंगी। तो तुम ही बताओ क्या करूँ मैं? तुम एक काम करो ना, तुमसे कुछ नहीं हो रहा तो तुम मुझे तलाक दे दो। पागलों जैसी बातें कर रही हो रीबा। मैं पागलों जैसी बातें नहीं कर रही, मुझे तो लगता है कि तुम भी यही चाहने लगे हो। रीबा, मैं भला ऐसे क्यों चाहूंगा, मैं तुमसे दूर होने का सोच भी नहीं सकता। तो बस फिर, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैं उस घर में जमल के साथ नहीं रहूंगी, मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती फारिस। रीबा, जमल मेरे बच्चे की माँ बनने वाली, अभी मॉम की सारी हमदर्दियां उसके साथ है। वैसे भी इस हालात में तलाक नहीं होती है रीबा। अच्छा,
फिर तुम भी सोच लो पारिस, अरीबा या फिर तुम्हारे घर वाले। आप खुश हो? एक्सट्रीमली। और अगर मैं ना मानती तो मैं आपको मना लेता। और अगर फिर भी ना मानती तो फिर मजबूरन मुझे पीछे हटना पड़ता। क्या वाकई? बिकॉज ये भी सादिया नहीं कहा था कि अगर मेरे घर वाले ना माने तो हमें सब खत्म कर देना चाहिए। फारिस, तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं जमल की सौतन बनकर रहूंगी? बात को समझने की मुझे समझने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी पहली बीवी और तुम्हारी दूसरी बीवी को बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम कब आई? अभी आई हूं बस। खाना लाऊं? नहीं, दिल नहीं करा। तबीयत ठीक है तुम्हारी? पता नहीं, ऐसे ही दिल घबरा रहा है। पानी लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। ये लो पानी पियो। वही हुआ है जिसका डर था। क्या हुआ अरीबा आपी? पता नहीं मेरी किस्मत कैसी है, ख्वाब तो कभी पूरे नहीं हुए, ये डर पता नहीं कैसे पूरे हो जाते। अम्मी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हुआ क्या है? इस मनहूस मारी से पूछो। या अल्लाह मुझे तो मौत ही दे दे। अम्मी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ये किसी गुनाह का नतीजा तो नहीं है ना? अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कोई गुनाह नहीं किया मैंने। लेकिन लोग कैसे यकीन करेंगे? सवाब के काम छुप कर भी तो नहीं किए जाते। अम्मी अब हम क्या करेंगे? हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गए। तुम्हारा मुंह तो मैं तोड़ती हूँ। चुप करो, फारिस को बुलवाओ। फारिस, तुम अब बाप बनने वाले हो। जी, अरीबा ने रात फोन पर बताया था। अरीबा की ना सही, लेकिन अब तुम्हें अपने बच्चे की फिक्र करनी पड़ेगी। आंटी, मुझे अरीबा की भी फिक्र है। जो भी है, मैं उसे इस हालत में अपने पास नहीं रख सकती, तुम्हें उसको लेकर जाना होगा। जी, मैं समझ सकता हूँ। अगर तुमसे अपने माँ बाप से बात नहीं होती तो मैं बात कर लेती हूँ, मैं उनके पाँव पकड़ लूंगी। नहीं, मैं कर लूंगा। तो फिर देर किस बात की है? ले जाओ ना अरीबा को साथ। मैं तो लेकर जाना चाहता हूँ, लेकिन वो जाने पर रजामंद नहीं है। कहती है कि उस जिमल के साथ घर में नहीं रहेगी। पहले कहती होगी, अब ऐसा नहीं कहेगी। जाओ, जाकर बात करो उससे। मैंने कहा था ना तुम्हें, मामा तुम्हें रिजेक्ट कर ही नहीं सकते। जी। क्योंकि तुम मेरी चॉइस हो।
क्या हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं। मेरी बात का ऐसा जवाब दे रही हो जैसे मजबूरी में यहाँ बैठी हो। What happened? ऐसी बात नहीं है राफेल, वो एक्चुअली घर में इतनी परेशानियां चल रही हैं अरीबा आपे की वजह से। तो क्या अरीबा? हर वक्त एक ही टॉपिक, हर वक्त एक ही टॉपिक। क्या हो गया है, नाराज हो क्यों? नहीं, बहुत अच्छे मूड में हूँ। सॉरी। चलो यार, मूड खराब हो गया, चलो यहाँ से। राफेल प्लीज चलो। राफेल फारिस, मुझसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है, मैं जिमल की सौतन बनके उस घर में हरगिज़ नहीं जाऊंगी। अरीबा, बात समझने की कोशिश करो, ये अच्छा मौका है, मैं बाप बनने वाला हूँ, मॉम डैड को तुम्हें और हमारे होने वाले बच्चे को कबूल करना पड़ेगा। तुम जो भी कहो, मैं जिमल के साथ नहीं रह सकती। फारिस, मैं तुम्हारी पहली बीवी हूँ, फिर मैं दूसरी बीवी होने का खिताब कैसे लूं? अरीबा प्लीज, अपने जहन में थोड़ी सी लचक पैदा करो। नहीं फारिस, इस मामले में तो हरगिज़ नहीं। तो फिर क्या, इस तरह घर बैठी रहोगी? अच्छा, तो तुम जमल के साथ ही रहना चाहते हो, साफ साफ बोल दो। मैंने ऐसा नहीं कहा। शायद अंदर ही अंदर फैसला कर चुके हो तुम। अरीबा, तुम बात को गलत सिमट ले जा रही हो। मैं सही सोच रही हूँ। अरीबा, तुम आंटी के लिए मुश्किल पैदा कर रही हो और मेरे लिए भी। शायद तुम्हारे लिए तो बहुत ही ज्यादा ना। अरे तुम मुझसे क्यों बदजन हो रही हो? क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि तुम जमल को छोड़ दोगे, वादा किया था तुमने मुझसे। तो मैं कब अपने वादे से मुकर रहा हूँ? मैं बस ये कह रहा हूँ कि तुम बच्चे की पैदाइश तक संभल के साथ रहो। नहीं फारिस, एक दिन भी नहीं। या तो तुम जमल को तलाक दो या फिर मुझे। हाँ हमीद, मैं बस थोड़ी देर तक ऑफिस आ रहा हूँ, एक मीटिंग अटेंड करके आता हूँ। अच्छा ये बताओ कि सादिया को तुमने हायर किया था? अच्छा ये बताओ कैसा काम करती है वो? अच्छा, एक्चुअली मैं ये चाह रहा हूँ कि अब तुम ऑफिस में इसको ज्यादा अटेंशन और इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दो। भाई मतलब ये है कि अब वो मेरी बहू बनने जा रही है, समझे तुम? हाँ हाँ, अच्छा मैं आता हूँ तो फिर बात करते हैं। ओके बाय। क्या कहा अरीबा ने? वो नहीं मान रही। अगर तुम्हारी नहीं मान रही तो मेरा बात करना तो बेकार है। आप उसे समझाएं आंटी कि वो मेरे साथ घर चले, मॉम डैड उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, ज्यादा बड़ा हंगामा नहीं होगा। और जमल? उसे भी करना पड़ेगा ना, वो हैरान होगी, रोएगी, मुझसे और अरीबा से बहुत नाराज होगी, लेकिन फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं बात करती हूँ अरीबा से। ओके आंटी, खुदा हाफिज। घर आ गया आपका। ओके बाय। खुदा हाफिज़ भी नहीं कहेंगे? खुदा हाफिज़। फारिस, आप कब आए? मैं बस अभी आया। क्यों? आपको पता है सब प्लानिंग कर रहे हैं सेलिब्रेशन की। सेलिब्रेशन किस बात की? हमारी एनिवर्सरी आने वाली है, आपको याद नहीं है? हाँ नहीं, याद था, बस वो ध्यान में नहीं था मेरे। आपको पता है मैंने बहुत ही अच्छा ड्रेस चूज किया अपने लिए। That's good. एक साल हो गया फारिस,
पता ही नहीं चला टाइम का, वक्त इतनी जल्दी गुजर गया। आपको पता है आंटी और अंकल तो कह रहे थे कि बाहर जाके सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि नहीं, हम घर पे बस गेट टुगेदर कर लेंगे। ठीक है, जैसा तुम चाहो। समल जी, इस एक साल में तुम्हारे पास मेरे हवाले से काफी काफी सारे शिकवे होंगे। नहीं फारिस, ऐसी तो कोई बात नहीं है, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? नहीं बस वो ख्याल आ गया था। मैं तो आपकी खुशी में खुश हूँ, आप खुश तो मैं खुश। अच्छा, वैसे अगर तुम मेरी खुशी में खुश हो तो मैं अगर दूसरी शादी करना चाहूँ तुम्हें कैसा लगेगा? ये क्या बात की आपने? अरे नहीं समझ, मैं बस ऐसे ही बात कर रहा था। आप दूसरी शादी करना चाहते हैं? अरे क्या हो गया समझ, मैंने मजाक किया था। लेकिन फर्ज करो अगर मैं करना चाहूँ, तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? मुझे नहीं लगता मैं इतना टॉलरेट कर सकती हूँ। लेकिन तुमने अभी तो कहा था कि मेरी हर खुशी में तुम खुश होगी। हाँ लेकिन अब इतना भी नहीं। आपके माइंड में क्या चल रहा है फारिस? नहीं कुछ नहीं, मैं जरा आता हूँ। अरीबा, अम्मी अगर आप मुझसे फारिस वाली बात कहने आई है ना तो मत ही कहें, कोई फायदा नहीं होने वाला। क्यों हमें नुकसान पहुंचाना चाहती हो तुम? नुकसान? मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही, मैं तो बस अपने बारे में सोच रही हूँ। ये काम तो तुमने हमेशा ही किया। खैर इस बार हमारी भी मान लो। क्या मान लो, क्या चाहती हैं आप? उस घर में वापस चली जाओ जमल की सौतन बनके, यही चाहती हैं ना आप? सौतन तो तुम हो उसकी, इतना भड़क क्यों रही हो? मैं जमल की सौतन नहीं हूँ, वो मेरी सौतन है। वक्त के फर्क से ये बात कर रही हो ना, क्योंकि तुमने जमल से पहले फारिस से शादी कर ली थी। और नहीं तो क्या, ये बात तो बिल्कुल सच है। होगी, मगर फारिस के माँ बाप ने तुमसे पहले जमल को अपनी बहू बनाया था, वही उसकी पहली बीवी है। तो फिर ठीक है ना, मुझे भी सौतन बनना कबूल नहीं है। अरे बात तुम समझ नहीं रही हो, तेरे इस घर से जाने के बाद जो मुझे लोगों का जवाब देने पड़ेंगे, मैं तो उस वक्त से डर रही हूँ, और तुम ओके जाने का नाम ही नहीं ले रही। क्या हो गया है? नहीं होंगी बातें, और ना ही अब तक हुई है। ठीक है, अगर तुम फारिस के घर ना गई ना तो सुन लो, इस घर में भी तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, सुना? लगता है अम्मी की बात माननी ही पड़ेगी। हाँ ठीक है, मैं फारिस के घर चली जाती हूँ, और रही जमल की बात तो उसका बंदोबस्त तो मैं कर ही लूंगी। अम्मी, अम्मी। हाँ हाँ। ये अरीबा आपके अपने शोहर के घर जाने पर रजामंद हुई है या नहीं? हाँ। क्या वाकई? आई है, कह तो रही हूँ कि हाँ। शुक्र खुदा का, ये मसला तो हल हुआ। अरे वो इतनी आसानी से कहाँ मान रही थी, ये तो मैंने और फारिस ने इतनी मुश्किल से उसे मनाया है, मैंने तो रो रो कर मिन्नतें की तब जाकर मानी है वो। ये तो बहुत अच्छा कर दिया आपने। तुम कुछ ज्यादा खुश नजर नहीं आ रही। क्यों, नहीं होना चाहिए क्या? खाना दूं तुम्हें? नहीं भूख नहीं है। तुम्हें भूख नहीं है? अरीबा ने खाना नहीं खाना। अरे तो मैं इस जहन्नुम में क्यों जलती रहती हूँ सारा दिन? अब मैं जा तो रही हूं,
अब क्यों रो रहे हैं आप? पता नहीं ये तुम्हारी जुदाई के आंसू हैं या फिर अल्लाह से फरियाद कर रहे हैं कि अल्लाह कोई मुश्किल ना आए। नहीं, क्यों परेशान हो रही हैं? सब ठीक हो जाएगा, फारिस है ना मेरे साथ। तुम कहती हो तो ठीक ही होगा। अच्छा सुने ना, मैंने आपको बहुत तंग किया है ना, बहुत परेशान किया, अब मुझे माफ कर देंगे ना? अच्छा चल हट, ज्यादा ड्रामे ना कर। अपना मुंह ठीक कर, फारिस आता होगा। अरे रुक, यूं मुंह झाड़ हाथ फाड़ जाएगी है? मैं शॉल लेकर आती हूँ, हाँ रुक जा। अल्लाह बेटा, अब तुमने इसका ख्याल रखना। आंटी आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। चलो वापस। हाफिज बेटा। जीते रहो। अरे भाई फारिस का पता करो, उसे कॉल करो, कहाँ रह गए? आंटी मैंने कॉल की थी लेकिन उन्होंने पिक ही नहीं की। अच्छा बस फिर रास्ते में ही होगा। जी वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसको याद भी है कि आज उसकी एनिवर्सरी है। जी जी, बल्कि वो तो मुझसे पूछ रहे थे कि मुझे क्या गिफ्ट चाहिए, मेरी पसंद का गिफ्ट लाएंगे। ओह एक्सेलेंट। डरी थी क्यों? बहुत डर लग रहा है, समय का सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही। मैं तुम्हारे साथ हूं। खाना लगा दो, आपने दोपहर में भी कुछ नहीं खाया। नहीं मुझे भूख नहीं है। अपने साथ इस तरह तो मत करें। सारी जिंदगी खाए, एक दो वक्त नहीं भी खाऊंगी ना तो कुछ नहीं होगा सादिया। हरीबा आपके अपने घर अब चली तो गई है? हाँ चली तो गई है। पता है जब वो यहाँ थी ना तो मैं सोचती थी कि जब ये अपने घर जाएगी ना उस वक्त मुझे सुकून मिलेगा। अब जब वो चली गई है तो पता नहीं क्यों मेरा दिल डूबता है, वहम सताते हैं कि ना जाने देती, रोक लेती उसे। इस तरह क्यों सोच रही है? अरीबा का फोन आया ना, फौरन मुझे बताना। जी अम्मी। लो आ गया फारिस। अरीबा तुम? फारिस आप अरीबा का हाथ पकड़ कर क्यों ला रहे हैं? मैं इसका हाथ थाम सकता हूँ,
क्योंकि मेरा इस पर हक है। हक? क्या मतलब? फारिस, ये क्या कह रहे हो तुम? फारिस, इधर आओ, मेरी बात सुनो। आओ। नहीं डैड, मैं तंग आ चुका हूं। अब जो भी होगा वो सबके सामने होगा। भाई कौन सी बात? क्या बात है बोलो फारिस। अरीबा तुम बताओ क्या बात है? फारिस आप खुश थी ना मॉम इस अमल माँ बनने में और आप दादी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी एक और भी बहू है और वो भी मां बनने वाली है। कौन है वो? अरीबा। व्हाट? अरीबा? क्या कह रहे हैं आप फारिस? ये कोई मजाक है क्या? मैं आपको बता रही हूँ, अगर ये कोई मजाक है ना तो ये बहुत ही घटिया मजाक है। जो तुम सुन रहे हो वही कह रहा हूँ, ये कोई मजाक नहीं, ये हकीकत है। नहीं अरीबा, फारिस झूठ बोल रहे हैं ना, तुम दोनों कोई मजाक कर रहे हो ना? बोलो अरीबा, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। मैं और फारिस शादी कर चुका हूँ, ये मेरे शौहर हैं और मैं इनकी बीवी।